खामोश बताना है दुनिया से छुप छुप के वो छुप छुप के बालम को सुनाना है अभी है आंसुओं में मुस्कुराने के निशान बाकी। दोस्तों हीर और रांझा की प्रेम कहानी पर साल 1928 से लेकर अब तक हिंदी उर्दू और पंजाबी भाषा में 20 के लगभग फिल्में बन चुकी हैं। आज हम सुनेंगे साल 1948 में बनी फिल्म हीर रांझा के गाने। इस गाने को लिखा था वल्ली साहिब ने, संगीतबद्ध किया था अजीज खान ने, गाया था गीता रॉय और जी एम दुरानी ने। अभी है आंसुओं में मुस्कुराने के निशान बाकी। फिल्म में मुख्य कलाकार हैं मुमताज, शांति, गुलाम मोहम्मद, श्रीनाथ, गुलाब, रूपकमल और मजनू। हीर के किरदार में मुमताज शांति है और रांझा के किरदार में गुलाम मोहम्मद। फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिन्हें लिखा था अमीर खुसरो और वल्ली साहिब ने, संगीतबद्ध किया था अजीज खान, खयाम और रहमान वर्मा ने। खयाम और रहमान वर्मा को शर्मा जी वर्मा जी के नाम से भी जाना जाता था। इस कहानी पर बनी साल 1970 की फिल्म हीर रांझा सबसे ज्यादा सफल रही थी। फिल्म में हीर की भूमिका में प्रिया राजवंश और रांझा की भूमिका में राजकुमार। साल 1948 की हीर रांझा ना तो YouTube पर है और ना इसके गाने वीडियो में है, इसके गाने सिर्फ ऑडियो वर्जन में ही है। गीता रॉय और लता मंगेशकर उसमें नई नई बॉलीवुड में आई थी। जी एम दुरानी जाने माने गायक थे, मोहम्मद रफी इनकी नकल करके ही गाने गाया करते थे। वैसे तो फिल्म के सभी गाने अच्छे हैं लेकिन इसको फिल्म का सबसे अच्छा गाना कहा जा सकता है क्योंकि ये गाना बहुत ही अच्छी शायरियों से मिलकर बना है और इसकी धुन भी बहुत अच्छी है। ज्यादातर श्रोता गीता रॉय के 50 के दशक के बाद के गानों को ही पसंद करते हैं। गीता रॉय ने 50 के दशक से पहले भी बहुत अच्छे गाने गाए थे। 50 के दशक के बाद वे गुरुदत्त से शादी करके गीता दत्त बन गई थी। आइए अब सुनते हैं फिल्म का दूसरा गाना गीता रॉय की आवाज में, जो उनका एकल गाना है। ये कहानी उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे और पंजाब क्षेत्र के, इसलिए फिल्म में पंजाबी गाना भी रखा गया था। बताया जाता है कि रांझा के गांव का नाम तख्त हजारा था जो चिनाब नदी के किनारे पर बसा था और हीर के गांव का नाम जंग था। आइए अब सुनते हैं फिल्म का तीसरा गाना जिसे गाया था गीता रॉय और खयाम ने। दिल यूं यूं करता है अरमान है मिलने के, अरमान है मिलने के और मिलने से डरता है। इसे लिखा था वल्ली साहिब ने, संगीतबद्ध किया था खयाम और रहमान वर्मा ने। दिल यूं यूं करता है बालम के संवरने से, बालम के संवरने से ये और बिगड़ता है। कहानी के अनुसार रांझा तीन भाइयों में सबसे छोटा था और कोई काम धाम न करके पूरे दिन बांसुरी बजाता फिरता था। उसके बड़े भाइयों और भाभियों ने जब उसको बैठे बैठे खाने के ताने मारने शुरू किए तो वह घर छोड़कर भाग गया। भटकते भटकते वह हीर के गांव जंग पहुंच गया और दोनों ने एक दूसरे को जब पहली बार देखा तो प्रेम हो गया। खामोश बताना है दुनिया से छुप छुप के, वो छुप छुप के
जुल्म को सुनाना है। इस गाने को भी वल्ली साहिब ने लिखा था और संगीतबद्ध अजीज खान ने किया था। गाया था लता मंगेशकर और जी एम दुरानी ने। छोटी सी कहानी है जिनसे छुपाई थी वो भलमा अब उनको सुनानी है। माना जाता है कि लता मंगेशकर को साल 1949 की फिल्म महल के गानों से लोकप्रियता मिली थी, लेकिन इस फिल्म के गानों को भी लता मंगेशकर ने बहुत सुरीली आवाज में गाया था। हाय क्या रोग लगा बैठे अखियां मिलाते ही वो बलमा हम जान गवा बैठे। हीर सियाल जनजाति के एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि रांझा उसे छोड़कर कहीं और जाए, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर रांझा को चरवाहे का काम दिलवा दिया था और दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे थे। तेरी मेरी, मेरी तेरी, तेरी मेरी दोस्ती कहानी बन गई, कहानी बन गई वो निशाने बन गई वो कहानी बन गई वो निशाने। ये गाना लिखा था वल्ली साहिब ने, संगीतबद्ध किया था खयाम शर्मा और रहमान वर्मा ने और गाया था गीता रॉय ने। एक दिन हीर का चाचा उन दोनों को मिलते हुए देख लेता और हीर के माता पिता से ये बात बता देता है। हीर के माता पिता उसकी शादी सेदा खेड़ा नाम के एक युवक से जबरदस्ती कर देते हैं। इस गाने को लिखा था अमीर खुसरो और वल्ली साहिब ने, संगीतबद्ध किया था अजीज खान ने और गाया था लता मंगेशकर ने। हीर की शादी से दुखी रांझा कनफटे समुदाय के फकीर से गुरु दक्षिणा लेकर फकीर बन जाता है। उधर हीर भी रांझा को याद करके दुखी रहती है। तेरे ही कहने पे ठान लिया है कि मर गए तेरी बहार रे। रांझा हीर की याद में गाने गाता भटकता रहता और एक दिन वह भटकते भटकते हीर के घर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों को वहाँ के राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा दोनों की कहानी सुनता है तो उसे एहसास होता है कि ये दोनों सही हैं और दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। राजा दोनों की शादी का आदेश दे देता है, लेकिन हीर के चाचा को ये शादी मंजूर नहीं है और वह हीर के खाने में जहर डाल देता है। हीर जहर वाला खाना खाती है और मर जाती है। जब रांझा को इस बात का पता चलता है तो बचा हुआ खाना खा लेता और वह भी मर जाता है। हीर का गांव झंग अब पाकिस्तान में है और वहां पर दोनों की मजार भी है। प्रेम करने वाले उस मजार पर जाते हैं और अपने प्यार की सलामती की दुआ मांगते हैं। ये कहानी काल्पनिक है या सत्य है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए जाते जाते सुन लेते हैं लता मंगेशकर का एक और गाना। कैसे